वेलकम टू ऑल एट माय चैनल बॉलीवुड तड़का, जहां लेके आती हूँ मूवीज के रिव्यूज और बातें होती हैं मूवीज के बारे में। तो आज मैंने एक ट्रेलर देखा मूवी का, जो सच में मुझे गूज़बम्प्स दे गया। और मैं बात करूं अगर ट्रेलर से, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। नाम मूवी का है इरुल, जो कि एक मलयालम मूवी है, और मलयालम मुझे नहीं आती, सच में मुझे नहीं आती। वो कहते हैं ना, अगर आपको देखने के लिए सब कुछ मिले, ड्रामा देखने को मिले, थ्रिलर देखने को मिले, मिस्ट्री देखने को मिले, तो आपको जो है लैंग्वेजेस की बाउंड्री है जो हटा देनी चाहिए। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ आज। तो जिनको भी मलयालम नहीं आती, उनको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो सबटाइटल के साथ जो है मूवी आएगी आपके लिए। स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार कास्ट में है फहद फासिल है, सोबित साहिर है, दर्शना राजेंद्रा जो है, मजे हुए खिलाड़ी जो अदाकार हैं जो मलयालम इंडस्ट्री के, वो तीनों जो है इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। अब मूवी की कहानी की बात करें, कहानी जो है एक ऐसी दिखाई गई है कि एक घर में जब दो जो है पति पत्नी जाते हैं, और उस घर में एक और भी शख्स जो है पहले से है, और उनको है जो काफी ज्यादा जो मूवी है ड्रामेटिक दिखाई गई है, और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक है जो काफी आपको इम्प्रेस करेगा मूवी देखते हुए, और आपको सच में जो है एक थ्रिलिंग का जो है फील आपको आएगा। और आगे कैसे जो है उनको एक घर में है जो एक डेड बॉडी मिलती है, और कैसे जो है आगे सब कुछ परत राज जो है खुलते जाते हैं, तो ये सब जो है हमें देखने को मिलेगा। बात करें तो एक काली रात, अंधेरे भरी रात, और बारिश हो रही है, बहुत ही जो है माहौल जो बहुत अच्छे से जो है तैयार किया गया है। और बात करें अगर मलयालम मूवी जो है कि खास तौर पे हम बात करें पिछले एक साल से हैं, जो काफी उनका जो है किंगडम अगर कहें तो बढ़ता जा रहा है। अब बात करें OTT प्लेटफॉर्म की, तो OTT प्लेटफॉर्म पे आने की वजह है जो मलयालम जो है इंडस्ट्री का काफी जो है दायरा बढ़ गया है। क्योंकि होता ऐसा है कि अगर सिनेमा में कोई ऐसी लैंग्वेजेस की मूवी लगती है जो आपको नहीं आती, तो आप नहीं देखने जाते, पर OTT प्लेटफॉर्म पे आने की वजह से है जो हम जो है अगर अच्छी कहानी, अगर अच्छी जो है कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो आप मैं आप सब जो है देखना जो है प्रेफर करते हैं। सो मेरे विशेष तो मूवी के लिए बहुत बहुत सारी हैं कि बहुत अच्छा काम करे। और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर कोई जो है हिंदी डबिंग करेगा, तो रिक्वेस्ट है कि हिंदी डबिंग बहुत अच्छे से करना, मूवी बहुत अच्छी बनी है, उसके मुकाबले में है जो हिंदी डब है जो करना बहुत अच्छे से करना। വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കൊലപാതകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ലേ താങ്കൾ ആ കൃതി എഴുതിയത്? അതെ അമ്മയാണ്. പക്ഷെ പകയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ കൃതിയിൽ വ്യക്തമാണ്. और बात करें अगर कहानी की सारी फिल्म में क्या कुछ क्या अच्छा था क्या नहीं अच्छा था, ये सब तो है जो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा मूवी कैसी रही। तो रिव्यू मूवी का लेके आऊंगी। 2 अप्रैल को जो है नेटफ्लिक्स पे आपको मूवी देखने को मिलेगी। और चैनल को मेरे ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहना, बेल आइकन है जो साइड पे उसे क्लिक कर देना, क्योंकि क्लिक करने से है जो वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। सो चैनल आपकी वजह से है, और इसीलिए कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे वीडियो पहले देखते आओ वैसे ही देखते रहना हमेशा ही। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं, फिर आऊंगी लेके कोई रिव्यू, कोई खास खबर आप सबके लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।